नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। परसों से चला आ रहा कश्मीर मुद्दा तब जाकर सुलझा जब केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाया। तब का दिन है और आज का दिन है। कश्मीर एक बार फिर से जहन्नुम से जन्नत बनता जा रहा है। वहां एक बार फिर से अमन और चैन की लहर दौड़ पड़ी है। भारतीय सेना कश्मीर के कोने कोने से आतंकियों को ढूंढ कर या तो उन्हें खत्म कर रही है या फिर सुधरने का दूसरा मौका दे रही है। लेकिन कश्मीर की आवाम की ये खुशियां पाकिस्तान और पाक परस्त नेताओं की आंखों में चुभने लगी है। तभी तो फारूक अब्दुल और महबूबा मुफ्ती के साथ साथ देश के कई विपक्षी नेता बीजेपी पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान और 370 की फिर से बहाली को लेकर तरह तरह के बयान करते रहते हैं। आपको बता दें कि ऐसे में एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है जिसमें राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि बीजेपी की तमाम आलोचनाओं के बाद भी दिग्विजय सिंह आर्टिकल 370 पर बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को समाप्त करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का धन्यवाद भी अदा किया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला उनका धन्यवाद क्यों अदा किया गया, तो सुने। दिग्विजय ने कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बारे में किसी से कोई विचार विमर्श नहीं किया। फैसला लेने के बाद भी वो इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं थे। दिग्विजय ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर के सभी लोग कह रहे हैं कि हमें 370 के बिना नहीं मानेंगे। उनकी जिद के बाद मोदी जी ने इस बात पर चर्चा शुरू की। दिग्विजय ने इसके लिए कश्मीर नेताओं और वहां के लोगों को धन्यवाद किया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब दिग्गी ने बीजेपी के खिलाफ जहर उगला हो। इससे पहले भी करीब 3 सप्ताह पहले क्लब हाउस चैट में दिग्गी ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो आर्टिकल 370 की दोबारा बहाली पर विचार किया जाएगा। उनका बयान आते ही बीजेपी नेताओं ने उनकी आलोचना शुरू कर दी और ना सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि देश के कई लोगों ने उनकी आलोचना की। इस बीच एमपी के सीएम यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने भी दिग्विजय से कहा कि उनको तालिबानी दिमाग करार दिया, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कहा कि दिग्विजय के संपर्क की एनआईए को जांच करनी चाहिए, कहीं पाकिस्तान से उनका संबंध तो नहीं है। लेकिन बड़ी ही शर्मनाक बात है कि इतना सब बोलने के बाद भी वो नहीं माने और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आलोचनाओं के बाद भी दिग्विजय ने कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने इस मामले में ट्विटर को नोटिस भी भेजा लेकिन इस मुद्दे पर बयान देना नहीं छोड़ा और आज भी लगातार बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर सर्वदलीय जब बैठक बुलाई तो उन्होंने कहा कि मोदी फैसला पहले लेते हैं, सोचते बाद में हैं। तो वहीं 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो इस पूर्ववर्ती राज्य से दिल्ली की दूरी के साथ साथ दिलों की दूरियां भी मिटाना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन सभी को राष्ट्रहित में काम करना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिल सके। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और आपको बता दें कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी इसमें मौजूद थे और साथ ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद सहित 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक का मुख्य मुद्दा केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना था और प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में इसकी बहाली को लेकर प्रतिबद्ध है। हालांकि इस बैठक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। पाकिस्तान के कुर्दे छिल गए थे और उन्होंने एक के बाद एक कई हमलों की योजना बनाई जिसमें कहीं किसी पुलिस अधिकारी को मारा गया तो कहीं भारतीय सेना के अड्डों पर ड्रोन से हमला किया गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हमारे देश के कुर्सी के भूखे नेता पाक परस्ती नहीं छोड़ रहे हैं और इसी तरह बयानबाजी कर देश के कानून के खिलाफ विगुल फूंकते जा रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।